अगर बहुत ज्यादा जानकारी हो नुकसानदायक होती है हमेशा, तो वो आदमी थोड़ा बैठ जाता है दूसरी तरफ को चल देता है। जब आप पूछ रहे थे मैं चला गया यमुना के मार्ग पे, तो क्योंकि केंद्र जो है कालसी है, कालसी से यमुनोत्री मार्ग का जो मतलब यमुनोत्री को लोग जाते थे तो इधर से जाते थे। खूबी बढ़िया बना रखी है। एक और डाल दो जब पांच हो जाएगा। और डब्लू ने ही हेल्प की है पेट्रोल ढूंढने में भी, और ये डाल भी रहे हैं हमारे लिए डब्बू। और मैं यही कहूँगा कि चक्राता के हीरो हैं ये। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, पानी की, बिजली की, पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल की, डीजल की, सब चीज़ की उपलब्धता ये कराएंगे। टूरिस्ट की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं 24x7। मेरी भी बहुत हेल्प की इन्होंने, और मैं इनके वजह से भी जो है एक या दो दिन समझ लो एक्स्ट्रा रुक गया, और यहाँ पे सभी लोगों का प्यार बहुत बढ़िया मिला, और उसमें से डब्बू जो है एक प्रमुख भूमिका के अंदर रहे। राकेश जी, राकेश और डब्बू की जोड़ी यहाँ पे काफ़ी मशहूर है, ये दोनों काफ़ी पक्के दोस्त हैं और यहाँ पे टूरिस्ट के काफ़ी हेल्प करते हैं। और जैसे कि राकेश है अभी स्टडी कर रहे हैं, और डब्बू भी स्टडी कर रहे हैं और साथ में अपना काम भी करते हैं यहाँ पे। और चक्राता के अंदर टूरिस्ट की किसी भी तरीके की हेल्प हो तो आप जो है डब्बू से संपर्क करें। मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डब्बू का टेलीफोन नंबर भी आपको जो है शेयर कर दूंगा। पहाड़ी तो ऐसी ऐसी राजमा है जिनका नाम हमने कभी नहीं सुना। पहाड़ी चक्राता का मशहूर छोटा राजमा, पहाड़ी झिलंगी, देखिए जरा कितनी वैरायटी है राजमा की। तो भैया सारी राजमा यहीं पे उगती नहीं, है मैडम कुछ गढ़वाल से कलेक्ट होती है हमारी ना। अच्छा, कुछ हमारा कलेक्शन गढ़वाल से होता है। ठीक है, होती सारी पहाड़ की है। पहाड़ की है, गढ़वाल में भी बहुत जगह है। जैसे ये वाली राजमा हरसिल से आती है, ये वाली हरसिल वाली राजमा, हरसिल से, हरसिल राजमा। गढ़वाल से हम झकिया मंगाते हैं, झकिया होता है चौके लगाने वाला। अच्छा, और ये कुलथ की दाल गुर्दे की लाज में, हाँ ये पथरी, हाँ ऐसा कहते हैं पथरी की गला देती है कुलथी की दाल में। इफेक्ट है काफी हद तक सही है ये बात। हाँ जी, नहीं ये तो हमारे उधर भी लेते हैं कुलथी की दाल ना, जैसे हो तो वहाँ भी, हाँ मंगवाते हैं स्पेशली। ये पहाड़ी कुलत है कि पथरी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पथरी अगर हो तो ये सजेस्ट करते हैं कि कुलथी की दाल खाइए आप। हमारे पास बुराश का स्क्वाश मिलता है, बुराश होता है ना जी, जी जी फ्लावर होता है जी, हाँ मैंने सुना है उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, पर ये नहीं पता क्या कहते हैं। अच्छा, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है स्क्वाश होता है, मिंट वाला पुदीने का शरबत होता है। तो ये पुदीना लोकल यहीं का है, लोकल है, लोकल होते हैं तभी तो ऑर्गेनिक जी, बिल्कुल हर चीजों में स्वाद होता है, स्वाद होता है। आप हमारे यहाँ का टमाटर खा लीजिए या मूली खा लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल उसका स्वाद देखिएगा, प्लेस का होता है उसमें स्वाद होता है अलग, पहाड़ की चीज़ स्वाद होता है। हाँ जी, अखरोट यहाँ का देख लीजिए, अखरोट में बहुत स्वाद होता है, बहुत टेस्ट होता है। ये दुकान है हरियाणा स्टोर, हरियाणा स्टोर है, अशोक कुमार गोयल जी। अशोक कुमार गोयल जी, आपके दुकान में क्या क्या मिलता है? मेरी दुकान में देखिए जी, मेरा मेन काम तो ये है लोकल का, लोकल आइटम का, पर्यटन की दृष्टि से मेरा मेन काम जो है ना ये पहाड़ी दाल, मतलब टूरिस्ट अगर यहाँ से जाए तो कुछ यहाँ के लिए, हाँ, अपने घर के लिए यहाँ की यादगार चीजें, टूथब्रश भी मिलेगा, टूथपेस्ट भी मिलेगा, सारी चीजें, टॉवल, रुमाल, सॉक्स, मतलब टूरिस्ट आए तो उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, यहाँ पर सब तरीके का छोटा बड़ा जरूरत का रोजमर्रा का सामान। हम तो बहुत रिगार्ड करते हैं, बिल्कुल टूरिस्ट का बहुत रिगार्ड करते हैं, और रेट भी हो सकता है इतना रीजनेबल दे, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जितनी डिमांड हो, जैसे आपको हमने रीजनेबल दिया तो आप अपने सर्किल में बताएंगे, बिल्कुल वहाँ जाइए आप, बिल्कुल। और क्या है, जैसे अगर टूरिस्ट अपने घर से 500, 600, 400 किलोमीटर आया है तो सबसे बड़ा तो या तो वो कि किस जगह रुका है, दूसरा ही देखते हैं क्या उसकी जरूरत का सारा सामान। टूरिस्ट को हॉस्पिटैलिटी देना तो हमारा जो है मेन मकसद है जी, बिल्कुल, वेलफेयर टूरिस्ट का रिगार्ड देना, रिगार्ड टूरिस्ट को रिगार्ड देना, ये सब हमारी जो है जी, बिल्कुल। अच्छा अशोक कुमार जी, आपके यहाँ पे ये फौजियों की भी ड्रेस है जो आर्मी वाली है, तो ये क्या जो जनरल पब्लिक भी ले लेती है? और इनके यहाँ पे बैग्स भी हैं, जैसे जो टूरिस्ट आते हैं, ये जो बैग मैडम इसको रक्सेक, रक्सेक, हाँ जी।
तो इस तरीके के बैग्स वगैरह की अगर आपको चाहिए, और मेन बिल्कुल मेन मार्केट में जैसे ही आप चकराता में घुसेंगे, बिल्कुल घुसते ही आपको ये दुकान मिल जाएगी। दूर से सबसे बड़ा शोरूम मुझे आसपास में ही, मतलब बहुत अच्छी मिल सकती है। हाँ, तो ये सब तरीके की वैरायटी, मतलब इतनी वैरायटी आपको किसी और दुकान में जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी जो इस मार्केट में। भी देखेंगे तो जो है, हालांकि इस पर टैग लगा हुआ है तो मैं टैग को पीछे कर देता हूँ। इस तरीके की नहीं है, इतनी ज्यादा वैरायटी, इतनी तरीके की चीजें, बिल्कुल। हाँ, इतनी किस तरीके की है मुझे भी बताइए, कैसी लग रही है? नहीं, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा सा पिछले हफ्ते से थोड़ा सा रश चल रहा है। नहीं, अभी ऐसा है ना, जो लोगों का डर था वो खुल रहा है। टूरिस्ट हैं, अब आ रहे हैं, निकल रहे हैं। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में थे वो एक डेढ़ साल से, तो अब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं यहाँ पे डेस्टिनेशंस पे, अलग अलग जगह। बहुत नुकसान हुआ, बाकी जो चकराता जगह है बहुत ही पीसफुल जगह है। और अगर सच में सॉलिट्यूड में आप अगर टाइम बिताना चाहते हैं, एक लॉन्ग स्टे भी अगर आप यहाँ चकराता में बिताना चाहते हैं, तो आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है। और अंदर से दिखाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कितना सामान इनकी दुकान में है। मतलब बाहर से देखने में पता नहीं चल रहा था कि इतनी छोटी सी दुकान में इतनी वैरायटी इन्होंने आइटम्स की रखी हुई है। आप चकराता आएंगे तो आप बस देखिए, आपका स्टे इतना कंफर्टेबल हो जाएगा, आपकी जरूरत का जो भी डेली यूज का हर सामान आपको बहुत आसानी से यहाँ मिल जाएगा। कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, उसके अलावा इस तरीके के गॉगल्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, मास्क हैं, उसके अलावा गिफ्ट आइटम्स अगर आप यहाँ से ले जाना चाहें, एक मेमोरी के रूप में आप यहाँ से कुछ ऐसा लेकर के जाना चाहते हैं जो आप अपने जो भी आपके डियर्स एंड नियर्स हैं उनको गिफ्ट में देना चाहें, चकराता की कुछ यादगार आप लेकर जाना चाहें, तो इस तरीके के आइटम्स मैं काफी देख पा रही हूँ। अखरोट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, अखरोट ये यहीं पे उगता है, लोकल होता है। अच्छा, चकराता में ना काजू बादाम नहीं होता, सिर्फ अखरोट होता है, अखरोट होता है, सॉफ्ट अखरोट होता है। इजीली हाथ से आप ऐसे करोगे ना, ये पूरा ऐसा क्लीन निकलेगा, स्वाद बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है चकराता की मेन लोकल ड्राइफ्रूट। ये देखिए पूरा आपका, अच्छा, राजमा के साथ साथ यहाँ का अखरोट भी मशहूर है, मशहूर है। हाँ, तो टूरिस्ट पूरा ये देखिएगा, पूरा ब्रेन के मासिक निकलेगा, बिल्कुल देखिए जरा, लोकल क्या बात है। बाकी हाँ बुरांश का हाँ बिल्कुल जरूर, वैसे तो मैंने बताया है हेल्थ बेनिफिट्स हैं मिंट और बुरांश, और जिस टाइम पे आप सर्दियों के मौसम में अगर यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, तो ये सफेद पहाड़ों के बीच में जो बर्फ से ढकी हुई वादियाँ हैं उनके बीच में लाल लाल फूल की झलकी आपको देखने को मिलेंगी, तो वो जो लाल फूल होते हैं वो बुरांश के ही होते हैं। और हार्ट के लिए जो बुरांश का जूस होता है वो बहुत अच्छा होता है, स्क्वैश बनाकर यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसे पीते हैं, और टेस्टी वन पार्ट ये डलता है, और साथ में फिर आप पानी उसके बाद चिल्ड वाटर इसमें डालते हैं, और फिर इसको मीठा इसमें है ऑलरेडी, अच्छा स्क्वैश है तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। बुरांश का बोतल बिल्कुल, मैं टेस्ट बिल्कुल करना चाहूंगी, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है, और सबसे अच्छी बात है स्वाद के साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। और शायद यही रीजन है कि जो यहाँ के लोग हैं इस तरीके की जो वेजिटेशन है उससे जुड़े हुए हैं, कि इनकी हेल्थ है इतनी अच्छी रहती है। और अभी जो लास्ट कोविड पुदीने का, ये है पुदीने का स्क्वैश, और अभी जो ऐसे कोविड का असर आप लोगों ने देखा था प्लेन्स में बहुत ज्यादा इस टाइम, स्पेशली जो सेकेंड वेव थी तो कोविड का बहुत ज्यादा वहां पर इफेक्ट आया था, लेकिन यहां पर पहाड़ों पे जैसा कि अभी तक मुझे पता चला है लोकल लोगों से, कोविड के जो केसेस थे यहां पर बिल्कुल ना के बराबर थे, और यही रीजन है जो इस तरीके के वो लाइफ स्टाइल है यहाँ के पहाड़ी लोगों का। अच्छा, ये मिंट का है, ये थोड़ा स्पाइसी है, इसमें सॉल्ट है, ये खट्टा मीठा है, और ये बुरांश का मसाला, काली मिर्च का मसाला, काला नमक है, बिल्कुल क्या बात है। की चटनी भी बनाएंगे, बुरांश की चटनी, बुरांश की चटनी, जी जी जी, अभी बताया हमें किसी ने कि बुरांश की चटनी जैसे ये मसूरी होता है इस तरफ मिलती है, तो हम सोच रहे हैं चकराता में भी, चकराता में भी आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि जो लोग यहाँ चकराता विजिट करें तो उनके लिए आसान हो जाए, और वो लोग भी इसको टेस्ट कर पाए। अगर आप किसी बड़े शहर से भी आ रहे हैं तो आपको किसी तरीके की यहाँ पर कमी महसूस नहीं होने वाली है, हर तरीके के स्नैक्स, हर तरीके के चिप्स, बिस्किट्स, केक्स, हर तरीके का सामान आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके अलावा आइसक्रीम्स हैं, तो आपका स्टे बहुत कम्फर्टेबल होने वाला है अगर कितने ही बड़े शहर से आप आ जाएं।
देखिए ड्रिंक्स वगैरह भी सारे आपकी पसंद के, जो जिस तरीके की वैरायटी आपको चाहिए सब तरीके के ड्रिंक्स आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि जो चकराता है कोई छोटा हिल स्टेशन है, उसके बावजूद भी आपको उसके अलावा आइसक्रीम है, तो उसके सभी तरीके की चीजें आपको जो भी आपके जो कम्फर्ट है उसके अनुसार आपको सभी चीजें आसानी से यहाँ चकराता में भी मिल जाएंगी। पर्सनली यही बोलना चाहूंगी जो चकराता है किसी बड़े हिल स्टेशन से बिल्कुल भी कम नहीं है, और जो जो चीजें आपको किसी बड़े हिल स्टेशन पे मिलती हैं सभी चीजें यहाँ आसानी से आपको मिल जाएंगी। और ये है नीटू उर्फ देवेंद्र जी, जिनके यहाँ हम लोगों ने लगभग 11-12 दिन खाना खाया, और इनकी वाइफ जो है श्रीमती मधुवाला, उन्होंने ही अपने हाथ का बना हुआ खाना हम लोगों को इतने दिन तक खिलाया। और उसके अलावा जो इनके फादर साहब हैं, उन्होंने अपने हाथ का बना हुआ बुरांश का जूस, जो कि शुगर फ्री भी है, वो हमें गिफ्ट में दिया आते समय। और बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत ही कॉर्डियल, मैं पहले ही आप लोगों को बोल रही हूँ, जो लोग हैं यहाँ पे सभी के अंदर हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा है। और इनका जो मोबाइल नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप भी चकराता जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं आने वाले टूरिस्ट की मदद करने का। आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है विक्की, और ये विक्की का जो है रेस्टोरेंट है, जैसे ही आप यहाँ पर चकराता के अंदर एंट्री करेंगे पार्किंग से, सबसे पहला रेस्टोरेंट इन्हीं का ही है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये पराठे वगैरह बनाते हैं, और जो लोग दिल्ली से आने वाले लोग हैं उनको छोले भटूरे पसंद है, तो छोले भटूरे आपको बहुत ही कम जगह मिलेंगे, तो इन दुकान पर आप जो है छोले भटूरे खा पाएंगे वगैरह। पानी वगैरह रखते हैं। इसके अलावा देखिएगा जो भी स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये सब आपको इनकी दुकान पे मिल जाएगा। ये जो दुकान है ये इनके फादर ने स्टार्ट की थी, इनको जो है वैसे नाम राजेंद्र जी है, लेकिन राजेंद्र जी को जो है सिद्धू नाम से जो है यहाँ पे बुलाया जाता है, और राजेंद्र जी ने अपने लड़के निकी बिट्टू के नाम से ये दुकान खोली थी। और आप देखेंगे जलेबी की ताज़ा बनती हुई रसीली जलेबी, और सुबह सुबह समोसे बनाते हैं काफ़ी, और जो टूरिस्ट आते हैं वो समोसे और काफ़ी जो है उनको पसंद है। और इनकी जो स्पेशलिटी है वो है इस नमकीन के अंदर, ये जो नमकीन भुजिया जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, 20 रुपये से लेकर 40 रुपये के जो पाउच है बना के रखते हैं, और काफ़ी स्वादिष्ट है, और मैंने भी टेस्ट की थी और मैंने भी खाई थी। और इसके अलावा समोसे भी काफ़ी अच्छे हैं, सुबह पकौड़े बनाते हैं। तो जो दिल्ली वाले लोग हैं स्पेशली, और जो नॉर्थ इंडियन है जिनको थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद है, उनके लिए एक बेहतरीन दुकान है। ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये चकराता के अंदर बिल्कुल आप एंट्री करेंगे तो ये वेजिटेबल एंड फ्रूट शॉप आपको मिलेगी, और इसके ओनर हैं जयपाल जी, और जयपाल जी ने हमारे को काफ़ी हेल्प की, क्योंकि सलाद का सामान हम लेके जाते थे इनके पास से, फ्रूट्स लेके जाते थे, और इस तरीके से जो है इन्होंने हमारे को प्राइजेस भी अच्छे लगाए, अच्छी क्वालिटी दी, खुद छाट के मेरे को सामान दिया इन्होंने। और यहाँ पे जब आप आएँ तो यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके की वस्तुएं आपको जरूरत में पड़ेंगी, तो जब भी आप चकराता आएंगे तो यहाँ पर इस शॉप पे आना ना भूलिएगा, और सभी तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको मिलेंगे। दुकान बेशक से आपको यहाँ पे छोटी नज़र आएगी, लेकिन दिल बहुत बड़ा है इन लोगों का, नारायण प्रसाद कोठारी जी की दुकान का, कोठारी जनरल स्टोर के नाम से है। क्योंकि जब आप यहाँ पे रुकने के लिए आते हैं तो 2-4-5 दिन अगर आप रुकेंगे तो आपका बहुत मन जो है यहाँ पे लगेगा, और मैं तो ये कहूँगा कि आप 10-15 दिन, क्या एक महीने भी यहाँ पे रह सकते हैं। जिस तरीके का व्यवहार यहाँ के लोगों का है, जिस तरीके से यहाँ पे सुविधाएं खाने पीने की सारी जो है उपलब्ध है, हालांकि जो चाट मसाले वाली चीज़ें जो दिल्ली वाले लोगों को पसंद है वो शायद इतनी ना मिले, तो ये जो हमारे चिप्स हैं जो दिल्ली वालों को काफ़ी पसंद है, कुरकुरे हैं, ये सब मिल जाएंगे, बिस्किट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा जो अंडे हैं, दूध है, ब्रेड है, केक्स हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर इनकी जो स्पेशल जो पहाड़ वाला जो सामान है, जो स्पेशली जो इनकी राजमा है जो यहाँ पे पहाड़ पे जो पैदा होती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो स्पेशल टाइप की जो राजमा है वो यहाँ पर मिल जाएगी। और मैं जब यहाँ पे रहा तो इनके स्टोर से जो है काफ़ी सामान जो है मैंने खरीदा, और इनका व्यवहार बहुत बढ़िया। मैं आपको सभी वीडियोस में एक ही बात बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ के जो लोग हैं जो जौनसर बाबर क्षेत्र में है, वास्तव में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और यहाँ पे देखिएगा, मैं आपके सामने जो देख पा रहे हैं कि नारायण प्रसाद कोठारी जी हैं, और ये आपका जो है मतलब दिल से स्वागत करते हैं यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं उन लोगों का। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी, चकराता में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, आसपास भी नहीं है, डायरेक्ट कालसी में है, लेकिन इस तरीके की शॉप पे पेट्रोल आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद ये है अरोड़ा स्टोर, और कन्फेक्शनरी अगर मैं बोलूँ तो बेटर रहेगा, इस तरीके के सारे आइटम्स इनकी शॉप में आसानी से मिल जाती हैं। और ये सबसे बड़ा कन्फेक्शनरी स्टोर था उस मार्केट का, जो कि छावनी बाज़ार में मार्केट की मैं बात कर रही हूँ,
और ये जो आंटी आप पिक्चर में देख रहे हैं ये इस शॉप की ऑनर हैं और बहुत ही कॉर्डियल, बहुत पोलाइट, बहुत हंसमुख इनका नेचर है। शी इवन इन्वाइटेड अस टू हर हाउस और बहुत अच्छा लगा इनसे हमें मिलकर। ये है कि कम से कम ये जो क्षेत्र में जो मतलब संस्कृति है वो कम से कम 5000 वर्ष पुरानी तो है, इससे कम नहीं। जिस क्षेत्र को आप कह रहे हैं कि ये क्षेत्र हो गया आपका जो जौनसार है जिसके बीच में चकराता, चकराता तो बाद का बसा हुआ है, 1879 का, 69 अच्छा ये जो है 1869 में बसा, अंग्रेजों ने बसा ब्रिटिश। पहले जो है क्या कहते हैं इस पूरे क्षेत्र की जो मतलब जो है केंद्रीय स्थान था या मतलब जो है व्यापारिक स्थान था वो थी कालसी। तो बस कुछ इसी तरीके से हमने चक्राता में अपने 12 दिन बिताए और बहुत ही सुखद, बहुत ही खुशनुमा वो दिन थे। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो ये चक्राता की मेरी मेमोरीज़ हैं आने वाले कई सालों तक मन में बनी रहेंगी, यहाँ की यादें बनी रहेंगी। और सफ़र तो देखिए चलता ही रहता है और सफ़र में मंजिल तो नहीं कह सकते, हाँ पड़ाव ज़रूर पड़ते रहते हैं बीच बीच में, तो शायद चक्राता भी उन्हीं में से किसी एक पड़ाव का हिस्सा रहा। और गुड बायस तो हमेशा से ही दुखदाई होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था यहाँ से निकलना, सबको गुड बाय कहना, लेकिन घर तो आना ही था वापस। तो हम लोग 11 जुलाई को वहाँ से सुबह निकले थे और मैं शूट करना चाह रही थी, पर उस समय हम भी इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और बाकी सब लोग भी इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि मैं कैमरा हाथ में पकड़ ही नहीं पाई। और उसके बाद 11 जुलाई को हमने देहरादून में ही स्टे किया और फिर 12 जुलाई को हम लोग दिल्ली पहुँचे। तो देहरादून से चक्राता जाना और वहाँ पर हमारा 12 दिन रुकना जितना लो प्रोफाइल था, हमारी जो वापसी थी वो उतनी ही ज़्यादा एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग थी। बाकी पूरी स्टोरी तो खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में ही शेयर कर पाऊँगी आप लोगों के साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।